हमारी आज की रेसिपी है कर्ड राइस, कर्ड राइस विद अ वेरिएशन। वेरिएशन यानी कि हमने इसमें अनार डाला हुआ है और अनार का जो कलर होता है वो बच्चे उसको देख के बहुत खुश होते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनती है ये रेसिपी। 150 ग्राम चावल या 1.5 टम्बलर चावल, हरी मिर्च, हरी मिर्च आप चाहे आपको तीखा चाहिए तो आप 2 ले सकते हैं, पर मैंने 1 लिया है और उसको मैं छोटा छोटा काट लिया है मैंने। अदरक लिया है, आप चाहे ग्रेट कर लीजिए चाहे आप टुकड़ा काट लीजिए, बट वो मुंह में आना चाहिए, उसका फ्लेवर अलग होता है। ये कड़ी पत्ता और राई जो है ये तड़के के लिए है, और ये थोड़ा सा हींग है, ये अनारदाना है, इसका अपना फ्लेवर है। आज हम अनारदाना चावल बना रहे हैं, और ये तेल है। अभी कैसे बनाते हैं देखें। चावल लेंगे, इसको हम कुकर में डालेंगे, ग्राम चावल के लिए करीबन हम लोग को 4 या 4.5 टम्बलर चाहिए, क्योंकि ये चावल थोड़े से सॉफ्ट होंगे। नॉर्मल के लिए हम लोग लेते हैं 1 कप चावल के लिए 2 कप पानी लेते हैं, तो इसमें हमको थोड़ा ज़्यादा चाहिए। सो ये 2 टम्बलर, ये 3 टम्बलर, ये 4 टम्बलर, ये थोड़ा ज़्यादा 0.5 टम्बलर और, क्योंकि हमको सॉफ्ट चाहिए। इसको हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसमें, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा। अब हम इसको गैस ऑन कर लेते हैं, इसको हम 3 सीटी देने का हम देंगे इसको। इसके लिए हमको 0.5 लीटर दूध चाहिए, क्योंकि दूध का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। सुबह जब हम हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो खाली दही डालेंगे तो वो थोड़े सूख जाते हैं, इसलिए दूध का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। तो इसको सुबह बनाना चाहिए ताकि दोपहर तक बहुत अच्छे फ्रेश चावल रहेंगे। इसके लिए हमको चाहिए 3 चम्मच दही। हाँ, सीटी निकल आई है, देखिए अब ये सॉफ्ट है। इसको हमको, ये गर्म है ना, इसलिए आपको इस टाइम इसको दबाते रहना है या घुमा घुमा के बनाना है इसको, क्योंकि तब ये सॉफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल चिपक जाएंगे एक दूसरे से, एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जितना वो ज़्यादा सॉफ्ट होगा उतना उसका फ्लेवर अच्छा रहेगा, दाना दाना नहीं होना चाहिए चावल, ये 4 जन आराम से खा सकते हैं। ऐसे ही इसको घुमाते रहेंगे। अब हम दूध डालेंगे इसमें, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसको, जब हम घुमाते रहेंगे तो ये जो दूध है ये चावल में सूख हो जाएगा पूरा। तो जब ये सूख हो जाएगा फिर हम और दूध डालेंगे, इसलिए पूरा 1.5 लीटर एक साथ, सॉरी 0.5 लीटर एक साथ में मत डालिए। तो दोपहर के टाइम पे बिल्कुल फ्रेश दही चावल का फ्लेवर आएगा उसमें। इसको हम घुमाते रहेंगे, जितना हम ज़्यादा घुमाएंगे उतना वो ज़्यादा एक दूसरे से चिपकते जाएंगे, दाना दाना चावल दही चावल में नहीं चलता। तो इसमें हम ये 4 जन आराम से खा सकते हैं, ये जो है ऐसे हम लोग इसको मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि ये गर्म है तो जल्दी मिक्स हो जाते हैं, ठंडे चावल मिक्स करने में बड़ा मुश्किल होता है। अब हम दूध डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। दूध का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है दही चावल में, क्योंकि वही फ्रेशनेस का फ्लेवर देता है। सिर्फ दही लेंगे तो फिर वो बिल्कुल सूख जाते हैं, तो दही चावल का मज़ा नहीं आता। देखिए सारा दूध जो है वो इसमें मिक्स हो गया। जितना ज़्यादा दूध यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा वो एकदम सॉफ्ट होता जाएगा, बिल्कुल हल्का फुल हल्का हो जाएगा। और दूध डाला हमने, अब नमक हमने डाल दिया है, तो अब हमको इस वक्त नमक डालने की जरूरत नहीं है। साउथ इंडियन दही चावल का बहुत
टेस्ट होता है, उसको लोग बहुत पसंद भी करते हैं। इसके ये करने के बाद हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च डालेंगे, जो छोटे छोटे हमने काटे हैं, ऐसे ही डाल देना है इसको। हाँ ऐसे, और हमें अदरक डाल लेना। और ये हींग भी हम डाल देंगे थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, खाली फ्लेवर के लिए वो। और हम इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए इसमें आपको अदरक, हरी मिर्च और हींग की खुशबू आनी शुरू हो गई है। इसको हींग को तड़के में डालने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही आप डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे अनारदाना, जितना ज़्यादा आप डालना चाहें आप उतना ज़्यादा डाल लीजिए, हम थोड़ा सा ही डालेंगे। अच्छे से मिक्स हो रहा है, बिल्कुल दिखने में कलर कितना अच्छा है, देखिए ना, हरा कलर है कड़ी पत्ते का और लाल रंग है अनार का। अब जब तक ये हो रहा है, दही तो हम डाल नहीं सकते, तो हम तड़के वाला काम निपटा लेते हैं। तो तड़के का बर्तन लेके थोड़ा सा इसमें हम तेल डाल लेंगे, थोड़ा गर्म हो जाए। अब तेल थोड़ा सा, 1 चम्मच काफ़ी है, ज़्यादा नहीं चाहिए। इसमें हम डालेंगे थोड़ा राई, देखिए स्प्लैटर होना शुरू हो गई है, ये सीन बहुत अच्छा है, जो खाना बनाते हैं उनको बहुत खुशी होती है ये सीन देख के। अब हम डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता, ये हाँ गैस बंद, ये हम हाँ ये हम ऐसे डालते हैं, दही को उसके अंदर मिक्स कर देते हैं तड़के के बर्तन में, फिर वो जो तड़का है वो पूरा उसमें मिक्स कर देते हैं। ज़्यादा तेल नहीं चाहिए, ज़्यादा राई नहीं चाहिए, ज़्यादा कड़ी पत्ता नहीं चाहिए। अब ये थोड़ा सा वॉर्म है, इसका जो टेम्परेचर है काफ़ी कम हो गया है। अब हम इसमें 3 चम्मच दही डाल लेंगे। दही डाल के इसको सुबह बनाना चाहिए, तो लंच टाइम तक ये एकदम बहुत अच्छा उसका फ्लेवर हो जाता है और दही भी अच्छे से सेट हो जाती है उसके अंदर। तो ये बच्चे बड़े खुशी से खाते हैं स्कूल में। आपको हमारी कर्ड राइस की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक कीजिए और डेफिनेटली एक सब्सक्राइब कीजिए।